हरियाणा कैबिनेट का कल विस्तार होने जा रहा है। कल शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री बनेंगे। बीजेपी के कोटे से पलवल के विधायक दीपक मंगला और हिसार की विधायक डॉक्टर कमला गुप्ता के नाम आगे चल रहे हैं। इनमें तो सूत्रों के मुताबिक जननायक जनता पार्टी के कोटे से चौहाना विधायक देवेंद्र बबली का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत अहम। ये मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं लगातार चल रही थी और अब ये तय हो गया है कि कल शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ हमारे जी हरियाणा ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ और डिटेल्स के साथ। विनोद, ये तो तय है कि कल शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन अगर है तो हम चाहेंगे कि अगर आप दूर कर पाए दर्शकों के लिए, क्या नाम तय हुए? देखिए, अभी तक की जो जानकारी के मुताबिक ठीक है, आपने 4 बजे कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अभी तक पुख्ता सूत्रों से जानकारी मुझे मिल पा रही है और जिस जानकारी को हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं उसके मुताबिक किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद कम ही की जा सकती है। और पुख्ता तौर पर सूत्र ये कह रहे हैं, अब कल रात आज रात रात में कोई खेल अगर बड़ा नहीं हुआ तो अभी तक की जानकारी जो कहती है उसके मुताबिक मौजूदा मंत्रियों में कोई बड़ा फेरबदल होता नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए, 2 स्लॉट हैं जिनको भरा जाना है मंत्रिमंडल में, 2 कोटा है, एक बीजेपी कोटा है, एक जेजेपी कोटा है, और जेजेपी के कोटे से देवेंद्र बबली का मंत्री बनना लगभग तय है। ये बहुत पुख्ता तौर पर सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और दूसरा अगर बात की जाए मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल में ज्ञानचंद गुप्ता के भी शामिल होने की चर्चा है, काफी लंबे समय से चल रही थी, उसको लेकर जोश भी था, लेकिन अब जोश शायद वो ठंडा होता नजर आ रहा है। और अभी तक की जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक उसके हिसाब से कमल गुप्ता के बहुत हद तक चांसेस हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। दर्शकों के सामने, आपके सामने एक चीज बिल्कुल पुख्ता मैं कर दूं, अभी तक का डेवलपमेंट ये है, आज रात को मंत्रिमंडल का विस्तार, खासतौर पर मुख्यमंत्री का भी विशेषाधिकार होता है, कोई खेल बदल अगर रात को होता है तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक की जो सूत्रों से जो बातचीत हुई है, जो पुख्ता तौर पर मंथन करके हमने जानकारी निकालने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर उन सूत्रों के नाम सामने नहीं रखे जाते, उसके मुताबिक तो कहीं ना कहीं लगता है कि कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली के काफी हद तक संभावना है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह। अच्छा, विनोद देखिए, अभी बीजेपी कोटे से दो नाम पर अभी मैंने पुख्ता तौर पर एक अनुमान आप अपने सूत्रों के मुताबिक रख रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसको ऐसे देखा जाए, अगर कि प्रभार के तौर पर क्या विभाग, क्या जिम्मेदारी के तौर पर, क्या इस आधार पर भी हम कुछ आकलन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह से 10-11 डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के पास है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो बात की जाए कि ये जो विभाग है जननायक जनता पार्टी के पास, 2 मंत्री हैं, 1 राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री खुद उप मुख्यमंत्री है, अभी तक का फॉर्मूला ये बताता है कि उस विभागों में से ही, दुष्यंत चौटाला के विभागों में से ही कुछ विभाग दिए जा सकते हैं देवेंद्र बबली को, एक फॉर्मूला ये है। और कमल गुप्ता निश्चित तौर पर अगर जो जिसके चांसेस लग रहे हैं वो मंत्री बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं और जो मंत्रियों के विभाग है उनमें फेरबदल होना तय है, क्योंकि अभी तो सारे विभाग अलॉटेड है, कुछ मुख्यमंत्री के पास है, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के पास है, तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये एक बार फिर दर्शकों के सामने रख दूं, ये जानकारी अभी तक के सूत्रों के मुताबिक है। बिल्कुल, उसके बाद रात भर में क्या फेरबदल होता है और राजभवन से क्या फाइनल लिस्ट निकल कर आती है, इसको लेकर दोबारा नजर रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद लांबा इस अपडेट के लिए।